नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लालू शादी नहीं करने वालों की बात कर रहे हैं और उन पर हंस रहे हैं। यह वीडियो 2012 का है। वायरल वीडियो न्यूज चैनल इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत का है, जिसमें वो एंकर रजत शर्मा से बात करते हुए यह भी बता रहे हैं कि कैसे उनकी शादी राबड़ी देवी से हुई। लालू ने अन्ना हजारे को लेकर भी अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम सबको अन्ना से सीखना चाहिए, 73 वर्ष की आयु में भी इतनी ताकत है। लालू की इस बात पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने कहा कि अन्ना ने कहा कि यह ब्रह्मचारी की ताकत है, उन्होंने शादी नहीं किया इसलिए उनके पास ताकत है, और जिनके 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस ताकत के बारे में। इस पर लालू ने जवाब देते हुए कहा कि 12 बच्चे, 11 बच्चे या 14 बच्चे, ये आते हैं अपने भाग्य से। इसके अलावा हमको ब्रह्मचारियों के विषय में खूब जानकारी है, लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग लाचारी में ब्रह्मचारी हो जाते हैं। लालू ने कहा था कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब मैं किसी लाचारी ब्रह्मचारी को देखता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है। इसके बाद रजत शर्मा ने कहा था कि 2011 का साल कुंवारे लोगों का रहा, राहुल गांधी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर लालू ने कहा था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के जीवन पर आधारित एक किताब के अनुसार साल 1974 के मार्च महीने में राबड़ी देवी पहली बार लालू यादव के घर आई थी। उनका गौना हुआ था, हालांकि उनकी शादी 1973 में ही हो गई थी। किताब में लालू यादव ने लिखा है कि जब राबड़ी देवी लालू यादव के घर आई थी, उसके पहले तक उन्होंने राबड़ी देवी को देखा तक नहीं था। लालू के अनुसार जब उन्होंने पहली बार राबड़ी देवी को देखा तो वो दुल्हन वाली ड्रेस में थी। उसके बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी से कहा था कि वो बिहार के एक बहुत बड़े आंदोलन के नेता हैं और जयप्रकाश नारायण उनके नेता हैं। उन्हें हर हाल में तय समय पर पटना पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो उन्हें झूठा या बिका हुआ करार दिया जा सकता है। लालू ने कहा था कि ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाला जा सकता है। लालू ने किताब में लिखा है कि यह उनकी राबड़ी देवी से पहली बातचीत थी, हालांकि राबड़ी देवी ने इस पर कुछ नहीं कहा था। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। बिहार में सियासत की बात और उसमें लालू यादव की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजनीतिक गलियारे में लालू यादव अपने खास अंदाज के कारण धूम मचाए रखते हैं। लालू प्रसाद यादव इन दिनों चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सजा याफ्ता लालू फिलहाल अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर रिम्स में इलाज करा रहे हैं। लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रिम्स पहुंचे थे। बिहार में गरमाए राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजद पार्टी के नेताओं की सक्रियता बढ़ी हुई है। पार्टी के कुछ नेता लगातार लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स पहुंच रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।